राम जी ने अपने मुंह से हनुमान जी की बहुत बड़ाई की, बड़ाई में क्या कहा, रघुपति कीन्ही क्या बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भर तही संभार। मेरे प्रियजनों एक बात हम तुमको बोले, बुरा न मानना, याद रखना, वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तैर गए जिन पर तू मेहरबान था। जिन्हें खुद पर गुमान होता है कई बार क्या वो डूब ही जाते हैं, जिन्हें खुद पर गुमान होता है वो डूब जाते हैं, जिन पर परमात्मा मेहरबान होता है वो डूबते हुए भी बच जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो महाराज। फिर परमात्मा मेहरबान कैसे होगा, भगवत चरित्र श्रवण करने से राम जी की कृपा होती है। अच्छा महाराज, संभव है? बिल्कुल, जो भी भगवत चरित्र सुनेगा भगवान का लाडला हो जाएगा। भगवान को कौन सा भक्त प्रिय है, आहाहा, जो दिन रात परमात्मा की याद में डूबा रहता, जो परमात्मा से कुछ नहीं चाहता, परमात्मा से जो परमात्मा को चाहता है वह भक्त भगवान को अति प्रिय है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो विचार कीजिए मेरे प्रिय श्रोताओ, क्या हम लोग भगवान से भगवान को चाहते हैं, या भगवान से कुछ रुपया पैसा लुगाई चाहते हैं? जरा विचार कीजिएगा, जो भी भक्त भगवान से भगवान को चाहेगा, भगवान से भगवान की भक्ति को मांगेगा, वह परमात्मा का बड़ा ही प्रिय हो जाएगा। और जो भगवान का प्रिय हो जाएगा तो भैया, पानी में पत्थर डालो तो डूब जाता है, लेकिन राम नाम लिख करके डाले तो वो पत्थर भी तैर गए। अच्छा देखो, बुरा ना मन, पत्थर जैसा कठोर तैर गया, अपने जैसे कोमल तर नहीं पा रहे। विचार करिएगा, पत्थर जैसा कठोर पानी पे तैर गया, अपने जैसे कोमल तर नहीं पा रहे। अंतर जरा विचार करना, कहीं हम लोग पत्थर से ज्यादा कठोर तो नहीं हो गए? हमें लगता है भैया, जो पत्थर है वो राम नाम अगर हृदय पर लिख लेता है तो वो भी तैर गया। मेरे प्रियजनों, ये मनुष्य हृदय भी अगर मन में दिल में राम नाम का उजियारा कर ले तो ये भी तैर जाएगा। महाराज वो तो समुद्र में तैरे थे, हम लोगों समुद्र में थोड़ी है जो तैरने के लिए राम नाम लिखना पड़ेगा। अरे पगला, ओ पगला, वो समुद्र में तैरे थे लेकिन हम लोग भी तो भाव सागर में घूम रहे। इस संसार का नाम भव सागर है। क्या नाम है? भव सागर। तो भव सागर से तरने के लिए भी राम राम कहना ही पड़ेगा। अजय एक बात समझना, दुनिया में जितने भी प्रवचन हैं इंसानों के लिए हैं, तुमने कभी भैंसियों की राम कथा सुनी या घोड़ों की हनुमान चालीसा सुनी? सुनी कभी? भाई दिल्ली वालों ने सुनी हो तो भगवान जाने, हमने तो नहीं सुनी, हम तो गांव के लोग हैं, हमने तो नहीं सुनी, अनपढ़ लोग हैं। भैया जितने प्रवचन होते हैं इंसानों के लिए, क्यों? ये इंसान की खोपड़ी ही है जो मानती नहीं है। सबकी खोपड़ी जल्दी मान जाती है, सबके नियम है, सबके प्रोटोकॉल है, इंसानों का कोई नियम नहीं है। कैसे? ऐसे समझो, शेर, शेर का भोजन क्या है? मांस। शेर को दो महीना भोजन ना दे, पिज्जा धर दे, ले पिज्जा खाओ पिज्जा, तो क्या शेर पिज्जा खाएगा? बोलो, अरे जोर से बोलो। शेर के सामने पिज्जा रख दिया जाए, धन्य है पिज्जा। पिज्जा के भी आजकल जलवे हैं। हम महाराज जी के साथ गए जब लंदन में थे, एक जगह हमें लेवा गए, हमारे एक साथ में
या यही। अच्छा, किस्मत की बात है, जिनकी हम बात ये बता रहे हैं वो उनका क्षेत्र यही है, वो यही वो पैदा हुए, मनोज त्यागी जी। तो वो हमें ले गए एक पिज्जा की दुकान पर, वहां खड़े अंग्रेज अंग्रेजनिया पिज्जा खाएं, उन्होंने कहा आप भी खा लो, हमने कहा हमें बख्श दो, हम इस लायक नहीं है, भगवान ने हमारे दांत नहीं बनाए, छोटे छोटे दांत हैं। ओ महाराज, हमने अपनी आंखों से जब पिज्जा की हरकत देखी, हमें तो दिमाग खराब, दो दिन भोजन ठीक से नहीं हुआ, पिज्जा के बीच में वो सफेद सफेद ऐसा लगा, ऐसा लगा कि मान लो छोटे बच्चे को भयंकर जुखाम हुआ। दस बारह वर्ष का बच्चा है, भयंकर जुखाम, और उसने बिल्कुल छिपोर दी। अच्छा, उसकी हरकत हमें बिल्कुल ऐसे नहीं, हम बिल्कुल सामने की बात बता रहे, वो जब पिज्जा, एक हमारी सामने अंग्रेजन खा रही पिज्जा, एकदम अंग्रेजन, 6.5 फुट की, 6.5 फुट की अंग्रेजन पिज्जा खा रही, और पिज्जा खाए महाराज जरा देखना, ऐसी उसने बढ़िया खाई, ऐसी वो लंबी डोरी सी, जैसे जन्म जन्म का साथ हो। और हम पर आकलन खड़े खड़े करते रहे महाराज जी, हम बैठे बैठे वहीं पर हम खड़े खड़े सामने देखते रहे, हमें लगा छोटे बच्चे भी ऐसे ही। लेकिन ठीक है, ये तो पिज्जा की बात है, खाना ना खाना तुम्हारा मतलब है, हमारा तो बताना काम है, गुरु तो बताता है, चलना ना चलना तुम्हारा काम है, गुरु की बात मानोगे कल्याण होगा, नहीं मानोगे तो ठीक है। हमारे माता जी कहती थी, हमारी माता जी कहती हैं, जो ना माने बड़ों की सीख, ले खोपड़ी मांगे भीख। शेर 3 महीने का भूखा हो और पिज्जा रख दिया जाए, क्या शेर खाएगा? अरे बोलो। अच्छा, बैल भी 3 माह का भूखा हो और शेर का भोजन डाल दिया जाए, मांस, क्या खाएगा? बोलो। अरे जोर से बोलो। आदमी आदमी को कुछ भी दे दो, ये सब खा जाएगा। तुम ज्यादा समझाओगे, तुम्हारी खोपड़ी खा जाएगा। तो देखो, जानवरों के नियम है कि नहीं? बोलो। इंसानों का कोई नियम है? एक व्यक्ति हमसे पूछ रहा था, गुरुजी आदमी और कुत्ता में फर्क बतलाओ, और कुत्ता पे हमारी पढ़ाई बहुत लंबी चौड़ी है। उसने हमसे ही पूछा, बोला गुरुजी आदमी और कुत्ता में फर्क बड़ा बतलाओ। हम कहा भैया, आदमी और कुत्ता में इतना ही फर्क है कि आदमी कुत्ता हो सकता है, लेकिन कुत्ता आदमी नहीं हो सकता है। आदमी तो कुत्ता हो सकता है, लेकिन कुत्ता कभी आदमी नहीं हो सकता है। और एक बार हमें सहादरा का एक कुत्ता मिला, टॉमी। हमने कहा, और बताओ टॉमी, आजकल तुमने काटना क्यों बंद कर दिया? टॉमी बोला, आदमी ही आदमी को इतना काट रहा कि हमारी जरूरत ही नहीं है। तो आदमी कुत्ता हो सकता, लेकिन कुत्ता आदमी नहीं हो सकता। मेरे प्रियजना, हम तुम्हें इन बातों के बाद बीच में ये समझाना चाहते हैं, जितने भी नियम होते हैं इंसानों के लिए होते हैं, पर जानवर नियम मानते हैं, इंसान नहीं मानते, इसलिए वो घाटा खाता है। मेरे प्रियजनों, जो प्रकृति सात्विकता के साथ परमात्मा की भक्ति करता है, पवित्रता के साथ, उसे आराम भी मिलता है और राम भी मिलते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आजकल जितनी भी बीमारियां हैं, खान पान के व्यवहार के बदलने के कारण ही ये बीमारियां प्रकट हो रही। हमारा खान पान बिगड़ गया है, हमारा आहार बिगड़ गया, इसलिए व्यवहार बिगड़ गया। जिसका आहार शुद्ध होता है उसका व्यवहार शुद्ध होता है, और जिसका व्यवहार शुद्ध होता है उसका चरित्र शुद्ध होता है, और जिसका चरित्र शुद्ध होता है उसे ही राम चरित्र मानस के प्रभु श्री राम का चरित्र सुहाता है।